नोएडा एक्सटेंशन में कई प्रोजेक्ट के लेआउट में हुए हैं बदलाव। सुपरटेक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहमे हुए हैं डेवलपर्स और निवेशक। पटवारी गांव में भी लटके हुए हैं दर्जनों डेवलपर्स के प्रोजेक्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को जमीन वापस करने के दिए हैं आदेश। रियल एस्टेट से जुड़ी कई संस्थाएं प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% होम लोन की कर रही है मांग। डेवलपर्स और कंज्यूमर दोनों को होगा इससे फायदा। और एनसीआर में है अफोर्डेबल हाउस के कई ऑप्शन। 25 लाख रुपए से 2 BHK फ्लैट की शुरुआत। सुपरटेक के 2 टावर गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक करा चुके लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़े पैमाने पर लेआउट में बदलाव हुए हैं। ऐसे में जो लोग फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा सेक्टर 94A में सुपरटेक के 2 रेजिडेंशियल टावर गिराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहाँ प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले सड़कों पर उतर गए हैं, वहीं पिछले काफी समय से कानूनी विवाद झेल रहे नोएडा एक्सटेंशन के ग्राहक भी परेशान हो उठे हैं। उन्हें आशंका सता रही है कि नोएडा एक्सटेंशन में भी बड़े पैमाने पर लेआउट में बदलाव और एक्स्ट्रा टावर बनाने वाले बिल्डरों पर भी कोर्ट का डंडा चल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके सपनों का घर उजड़ जाएगा। ऐसे में नए घर बुक कराने वाले ग्राहकों को कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। जो एंड यूजर है, जो रहने वाले लोग हैं, जिनको घर चाहिए, जो होम ओनर्स हैं, जो बायर्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, दे शुड मेक श्योर कि एक तो डेवलपर की छवि अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ ही जाएं, उसी का बिल्टअप एरिया की ट्रांजेक्शन करें, एंड सेकेंडली जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं वो इन प्लेस होने चाहिए, वो देखने बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी, आगे की प्रोडक्शन भी देखनी चाहिए, आगे की कंस्ट्रक्शन देखनी चाहिए, क्या कैसे कार्रवाई हो रही है, साइड में काम कैसा चल रहा है, तो यू हैव टू जुड़े रहना पड़ेगा। आपका घर बन रहा है, वो इट्स योर हाउस, तो आपका हाउस की दायित्व आपका है, 50% तो आपका कम से कम है। नोएडा एक्सटेंशन में 500 एकड़ में फैले इको विलेज वन सहित पूरे पतवारी विलेज को लेकर कोर्ट ने पहले झटका दे रखा है। साथ ही इस तरह का मामला इको विलेज 2 में आ सकता है, जहां बिल्डर ने लेआउट में बदलाव कर 2 अतिरिक्त टावर खड़े कर दिए हैं। कानूनन 2 टावर्स के बीच 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इको विलेज 2 में नहीं है। अगर इसके खिलाफ कोई कोर्ट जाता है तो यहाँ भी कोर्ट फैसला दोहरा सकता है। आप नक्शा कोई और पास कराएं, बिल्डिंग कोई और बना दें, फ्रॉड इज अ फ्रॉड। और मुझे लगता है कि ऐसे बिल्डर्स को बैन कर देना चाहिए। 3-4 ऐसी स्टोरीज होंगी जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उनमें एक फेयर जाएगा, लॉ के प्रति रिस्पेक्ट जाएगा, तो वो अपने एंड पे संभलेंगे। दूसरा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी बायर को या इन्वेस्टर को शिक्षित होने की ज़रूरत है। अगर वो किसी भी एक्स बिल्डर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जिस मकान में वो लेने जा रहा है या जिस बिल्डिंग में मकान लेने जा रहा है उसके लैंड के पेपर्स देखे, एक लॉयर को कंसल्ट करे। सुपरटेक पर एनसीआर में कई प्रोजेक्ट्स में ग्रीन एरिया और सुविधाएं घटाने के आरोप लगे हैं। सुपरटेक ने इको विलेज में नवंबर 2014 में पोजीशन देने की बात कही है, लेकिन विवादों में फंसने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कंपनी पोजीशन देने की स्थिति में होगी। सुपरटेक के साथ कई दूसरे बिल्डर्स ने भी ग्रीन एरिया में कटौती कर अतिरिक्त निर्माण किए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 2.5 लाख फ्लैट पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा बिक चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना फ्लैट बुक कराने की सोच रहे हैं तो कंपनी का लेआउट प्लान जरूर देखें, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करें कि उस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई मामला कोर्ट में लंबित तो नहीं है। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन में किसी ना किसी बात की टेंशन हमेशा बनी रहती है। एक ओर किसान 10% डेवलप्ड जमीन की मांग कर रहे हैं, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पतवारी गांव के किसानों से अधिग्रहित जमीन को वापस करने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर का नोएडा एक्सटेंशन, जो कि अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से विवादों में उलझता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन और विवादों का नाता चोली दामन का रहा है। एक बार फिर से किसानों ने 10% डेवलप्ड जमीन की मांग रख दी है, और ऐसे में अथॉरिटी इस मांग को पूरा करने में समर्थ नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और किसानों की मांग की वजह से इस क्षेत्र में फ्लैट बुक करा चुके हजारों लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो 2 महीने के अंदर पटवारी गांव के किसानों की जमीन वापस करें, जबकि हकीकत ये है कि इस क्षेत्र में कई डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं जो कि काफी आगे के फेज तक पहुँच गए हैं। हम
हमारा मांग तो ये आबादी उन्होंने छोड़ी नहीं है, जमीन में उन्होंने अपना जो आबादी की जमीन थी उसमें भी अपना नाम चढ़वा लिया, जिसने मुआवजा भी नहीं उठाया है उसमें भी प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया रजिस्टर में। अब भी काम नहीं रुका है, 2 महीने का इंतजार कर रहे हैं, क्या करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन किसानों को अथॉरिटी को लेटर लिखने के लिए कहा जिनकी मर्जी के खिलाफ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर की कॉपी लेटर के साथ अटैच करने को कहा है। साथ ही अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। किसानों की अर्जी पर 19 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट ने पटवारी गांव के 589 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को अवैध करार दिया था। देखिए, जो नोएडा की ज्यादातर इश्यूज है, नोएडा एक्सटेंशन वगैरह के एरियाज की जहां पे एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो मामला जो है कोर्ट्स में सब जुडिस है, और जो भी कोर्ट से ऑर्डर्स आएंगे उन्हीं ऑर्डर्स का पालन होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस एरिया में फ्लैट बुक करा चुके लोगों में मायूसी फैल चुकी है। किसानों के अनुसार इस एरिया में फिलहाल आम्रपाली, सुपरटेक, आरजी होम्स, पटेल और निराला जैसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सैकड़ों लोग फ्लैट बुक करा चुके हैं जो कि अब परेशान हैं। लैंड जो है जो कि इन्होंने एक्वायर किया हुआ है उनको सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर उसका जो है कितना टाइम लगेगा पूरा पूरा लैंड जो है इनके पास आ जाए, तो ये एम्बिग्यूटी रहेगी। तो मेरी जो एडवाइस होगी इन्वेस्टर को, पहले अपने जो इन्वेस्ट करने से पहले एक तरीके से पूरी पूरी ड्यू डिलिजेंस किया जाए कि पूरा का पूरा जो भी डेवलपर की आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जो है पूरे का पूरा इनका जो लैंड है कोई इनकम्बरेंस नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। पटवारी गांव के अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण हुआ वो अब 10% डेवलप्ड जमीन लेने की अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से हजारों लोगों के घरों का सपना अधर में लटक गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा है कि वो पतबारी गांव के किसानों को जमीन 2 महीने के अंदर वापस करे। हम आपको बता दें कि इस जमीन पे फिलहाल 1 दर्जन के करीब डेवलपर्स अपना काम चला रहे हैं, जिसमें करीब हजारों लोग जो हैं अपना घर बुक करा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें घर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर संशय बरकरार है। राजीव रंजन, ग्रेटर नोएडा, News 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विला रियलिटीज के MD प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, आपका प्रॉपर्टी 24 में स्वागत है। थैंक यू। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुप्रिया सिंह उनका नाम है, बनारस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी, सवाल अपना पूछिए। मेरा सवाल है, रियल एस्टेट बाजार में कई महीनों से काफी मंदी देखी जा रही है, ये मंदी कब तक रहेगी? जी देखिए, ये मंदी वाकई पिछले 1.5 साल से काफी रेटों में क्राइसिस आया है, और तकरीबन 25 से लेकर 35% तक रेट दिल्ली NCR नहीं ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपर्टी डाउन है। लेकिन अभी इलेक्शंस को लेके काफ़ी जो है मतलब ये चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ही इलेक्शन के बाद में कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो BJP, चाहे वो किसी भी और थर्ड पार्टी, स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हलचल फिर इससे स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं सुप्रिया कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नैनीताल से अगले दर्शक हैं पंकज नगदली। पंकज पूछिए। दिल्ली NCR में अफोर्डेबल हाउसेस के क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो मैक्सिमम डेवलपर ने अफोर्डेबल हाउस ही लॉन्च किए हैं, और एकदम से अफोर्डेबल हाउस की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आप पकड़ लीजिएगा, चाहे वो गुड़गांव का निमराना, कोटपुतली और मानेश्वर से आगे वाला एरिया है, या दिल्ली के एकदम नियर बाय फरीदाबाद नहर पार वाला एरिया है, नोएडा एक्सटेंशन है, क्रॉसिंग रिपब्लिक है, राजनगर एक्सटेंशन है, सभी में अफोर्डेबल हाउसेज ही लॉन्च किए मैक्सिमम लोगों ने। सभी के टिकट साइज ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, और जिनकी कीमत भी तकरीबन 20-22 लाख रुपए से स्टार्ट होके और 50-60 लाख रुपए में उनका 3 BHK अच्छी मतलब प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हैं। तो दिल्ली NCR में बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसेज हैं इस समय, सिर्फ आपको सर्च करने की जरूरत है। और अगले दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं नोएडा से, जिनका नाम है रोहित दुहन। रोहित पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? 50 लाख के बजट में एक घर खरीदना है, नोएडा एक्सप्रेसवे पे ठीक रहेगा या नोएडा एक्सटेंशन में? देखिए, ये डिफाइन करना कि नोएडा एक्सटेंशन या एक्सप्रेस हाईवे में, दोनों में बेहतर ऑप्शन क्या है, बड़ा ही एकदम से मुश्किल सा सवाल है। ये तो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, लेना चाहता है,
उसकी कनेक्टिविटी उसको कहाँ से बेहतर मिलेगी। अब जैसे कि अगर हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा एकदम से कनेक्टिविटी है उसके साथ। और अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, ये सारा एरिया उससे एकदम से कनेक्ट है। तो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्सेसिबिलिटी है किस एरिया से। और 50 लाख के बजट में एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर तो शायद ही एक आधा ऑप्शन मिल पाए, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए, दर्शकों से जुड़ने के बाद हमें कुछ ईमेल भी आए हैं। ये पहला ईमेल हमें आया है रोहित सिंह का, जो जयपुर से हमें लिख रहे हैं, और इनका जो सवाल है वो है, सुपरटेक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उस बाजार पर उसका रुख क्या होने जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि जो ये डिसीजन कोर्ट का आया है, ये लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, और मे भी मैं समझता हूँ कि शायद इस पर इनको स्टे भी मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे निवेशक जितने भी हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, डेवलपर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और दिल्ली एनसीआर से सारे इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा रुझान कहीं हट जाएगा। बिकॉज जो चीज़ एकदम डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, डेवलपर ने लैंड अप सारे प्लान अप्रूव्ड करा के और जो बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी हो चुकी है, अगर लास्ट में वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर आदमी फेथ कहाँ करेगा। फिर तो आदमी सिंपल बोलेगा, भाई मेरे को ये सब प्रॉपर्टीज ना लेके, और मैं तो इमीडिएट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसमें कोई भी लिटिगेशन ना हो किसी भी तरह का। और अगला हमें ईमेल आया है संजना जगदाले का, मुंबई से। ये लिख रही हैं कि एनसीआर में फ्लैट खरीदना चाहती हैं और जो उनका बजट है वो है 40 लाख के आसपास, तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है, प्रमोद जी बताइए जरा। देखिए, 40 लाख में इनके लिए एक तो दिल्ली एनसीआर में उधर एक राजनगर एक्सटेंशन है, ये गाजियाबाद का एक नियर बाय वाला बहुत अपकमिंग डेवलप होने वाला एरिया है, वहाँ इनको बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक है जो कि 50-60% लोग रहना शुरू कर दिए हैं, वहाँ बहुत अच्छी ऑप्शंस इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको गुड़गांव साइड में अगर आप देख रहे हैं तो निमराना के आसपास इनको काफी अच्छी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। प्रमोद जी, हमने दर्शकों के सवाल सुने, ईमेल्स भी हमने पढ़ी, इसके अलावा एक सवाल और है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि दिल्ली एनसीआर में कई डेवलपर्स लाल डोरे की जमीन या फिर किसानों की जो जमीन है उसके छोटे छोटे टुकड़े खरीद कर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट का कोई भविष्य है? लाल डोरे की डेफिनेशन सारे लोगों को एक्चुअल में तो पता ही नहीं है, और अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो एक दो गांव छोड़ के लाल डोरा ही नहीं है किसी भी गांव में। जैसे कि आपका लाल डोरे का एरिया जो आता है ना, वो दो तीन गांव हैं जिनके अंदर लाल डोरा है, अदरवाइज लाल डोरे वाला सिस्टम तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब आबादी या 5% वाली लैंड की बात आती है तो देखिए, बहुत सारे आज किसानों से परचेज करके डेवलपर, छोटे डेवलपर उसके ऊपर काम तो कर रहे हैं, बट ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो कहाँ तक ठीक होगा, कहाँ तक ठीक नहीं होगा। जैसे कि अभी तो शायद उसके ऊपर बैंक भी नहीं लोन कर रहा है, बट मे बी शायद आने वाले समय में उसको कंसिडर करना शुरू कर दे, या कोई बोर्ड मीटिंग में ऐसा कोई बायलॉज उनके लिए भी डिसाइड हो जाए कि भाई वो इतना पर्टिकुलर स्टोरी तक अपने लेआउट पास करा सकते हैं। अभी तो जितने भी लेआउट पास करा रहे हैं वो सिर्फ एक ग्राम पंचायत चेयरमैन या जो भी इस तरह की बॉडी है उसी से पास करा के बना रहे हैं। चलिए, इसी के साथ ही प्रमोद जी, देश भर से जुड़े हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया जी। थैंक यू। होम लोन कराने से पहले जो अपफ्रंट मनी लगती है उसके ना होने की वजह से कई लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़ी कई संस्थाएं 80% के बदले 90% होम लोन दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है, क्योंकि डेवलपर्स के पास फिलहाल देश भर में लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB प्रॉपर्टी की वैल्यू के 80% की बजाय 90% तक होम लोन दिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि मार्केट में काफी पहले से सीमा से ज्यादा लोन देने और दिलाने का बाजार गर्म है। प्रॉपर्टी डीलर्स और फाइनेंस कंपनियों के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स यानी DCA की माने तो हाल में लोन टू वैल्यू यानी LTV रेशियो से ज्यादा होम लोन चाहने वालों की तादाद बढ़ी है, और फाइनेंस कंपनियों ने भी कई रास्ते निकाल लिए हैं। कई DCA तो 92% तक डिस्बर्समेंट की गारंटी देते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ग्राहकों को देना होता है।
अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए है तो उसका 80% यानी 32 लाख रुपए तक तो होम लोन कुछ फाइनेंस कंपनियां कर देंगी। इसके अलावा 10% यानी 4 लाख रुपए फर्नीचर फिटिंग्स, फर्निशिंग या मेंटेनेंस के तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 32 लाख का चेक सेलर के नाम बनता है जबकि अतिरिक्त 4 लाख का चेक बायर के नाम होता है। हालांकि इसके लिए ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट से सर्टिफाइड कराकर एक हलफनामा देना होता है कि अतिरिक्त रकम इन कामों पर खर्च करना चाहता है, लेकिन इस अतिरिक्त रकम पर ब्याज दर होम लोन के बराबर ही होता है। हालांकि दो अलग अलग मतों पर लोन लेने से अच्छा होगा अगर कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी होम लोन की 90% दे दे। इस दिशा में कई रियल स्टेट संस्थाएं काम कर रही हैं। इसमें फायदा प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्री को तो है ही है, बिल्डर को भी है कि उनको उनके जो ग्राहक हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेना चाहते हैं लेकिन अपफ्रंट मनी नहीं है देने के लिए, तो दे हैव टू वेट और उसका जुगाड़ करने के लिए टाइम लगता है कुछ टाइम, यू नो, तो वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ज्यादा लोन के चक्कर में कई बार कंज्यूमर को ऊंची दरों पर लोन उठाने को विवश होना पड़ता है क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल के बाद 1 से 1.5 महीने तक समय घर खरीदारों के लिए क्रिटिकल होता है क्योंकि इन 1.5 महीनों में रकम चुकाने या डील और बयाना गंवाने का दबाव होता है। ऐसे में डीलर और डीएसए ग्राहकों के दस्तावेज या किसी और चीज में कमी के बहाने आखिरकार महंगा लोन दिला देते हैं। कस्टमर कई बार अप्लाई तो 9.5 से 10.5% ब्याज दर वाले होम लोन के लिए करता है लेकिन डिसबर्समेंट के समय तक वो 12 से 13% रेट वाले इक्विटी होम लोन लेने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में मकान लेने के लिए कुछ दिनों तक तो आने पौने दाम पर ही वो अपना मकान बेचने को मजबूर हो जाता है। घर खरीदारों की सबसे बड़ी समस्या लोन टू इनकम रेशियो को लेकर होती है। कई बार एक सक्षम ग्राहक को उतना लोन नहीं मिल पाता जितना वो चाहता है जबकि एजेंट कम आय वालों को भी लिमिट से ज्यादा लोन दिला देते हैं। महंगाई के दौर में नौकरी पेशा लोग इतनी बचत भी मुश्किल से कर पाते हैं कि बुकिंग के समय न्यूनतम या लमसम रकम दे सकें। ऐसे में LTV रेशियो बढ़ने से उन्हें राहत मिलेगी और पेचीदा टर्म्स पर अधिक लोन की जुगत नहीं करनी पड़ेगी।